हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपकी विभा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और समर से एंजॉय कर रहे होंगे ना धूप को। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ आज मीशो हॉल, जो कि मैंने मीशो से कुछ सामान मंगवाए थे और मैं आपको दिखाती हूँ कैसे है वो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पूरा सामान देखना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। हाँ, तो चलिए सबसे पहले मैं दिखाती हूँ मैंने ये जो ड्रेस पहनी है ब्लैक वाली ना, ये शॉर्ट ड्रेस मैंने मीशो से ही मंगाई है। मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद आई। अच्छा, इनका सबका जितना प्राइस और वो सब मैं इसमें मेंशन कर दूंगी आपके पास। मैंने ये ड्रेस भी मीशो से मंगाई है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। आई लव ब्लैक ड्रेस, क्योंकि मुझे ब्लैक कलर वैसे ही रियली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ब्लैक कलर माई गॉड मुझे बहुत पसंद है। एंड एक ये समर्स के हिसाब से मैंने मंगाई है एक ये ड्रेस। ये यार पता नहीं मेरे साथ है या सारी लड़कियों के साथ है, पोल्का डॉट जो होता है ना सबको पसंद आता है। तो ये पोल्का डॉट की ये ड्रेस है एक ये, और इसको बांधने के लिए ऐसे जैसे हम बचपन में फ्रॉक पहनते थे ना ऐसे बांधो, और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। ऐसी ड्रेसेस मुझे बहुत पसंद आती है। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं प्यारी प्यारी से ड्रेसेस पहनूँ। तो मैंने एक ड्रेस ऐसी मंगाई जो आपको देख सकती है, पूरा एकदम समर के हिसाब से है, कलर वैसा है। और कलर का मतलब है, कलर जब आप मंगाते हो ना, चूज़ करते हो, तो थोड़ा सा यार, अब वैसे तो मैंने भी ब्लैक मंगा ही लिया, नहीं पहनना चाहिए गर्मियों में, बट मुझे बहुत पसंद है ब्लैक कलर। आई लव ब्लैक कलर। ब्लैक हो गया, रेड हो गया, मैं जब जाती हूँ अगर कपड़े लेने ना, तो मैं तो ब्लैक और रेड पे टूट जाती हूँ। मुझे ब्लैक बहुत ज़्यादा पसंद आता है, पता नहीं क्यों। मेरे पास बहुत टॉप है, बहुत ड्रेसेस हैं ब्लैक कलर की, मैं बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आती है। एंड इसके बाद ये फर्स्ट एंड ये सेकेंड है, ये भी मुझे बहुत पसंद है। आप समर्स के हिसाब से अगर ढूंढ रहे, इसकी लेंथ पूरी नी लेंथ तक है। मैं पूरा इसको ना एक बार पहन के आपके पास एक छोटी सी इमेज डाल दूंगी सारी ड्रेसेस की। तो ए फर्स्ट ड्रेस एंड सेकेंड ड्रेस एंड थर्ड है मेरी ये। घर में जब मुझे पहनना होता है ना, मैं ज़्यादातर घर में शॉर्ट्स या ड्रेसेस ही डालती हूँ, बिकॉज मुझे ना कंफर्टेबल होता है समर के हिसाब से ना। घर पे कुछ काम है, और इवन मैं कहीं जाती भी हूँ ना, तो मैं जैसे ड्रेस पहनी हूँ ना, मैं ऐसे ही चली जाऊँगी। मैं कोई जल्दी से चेंज वेंज नहीं करती, तो कहीं पार्टी या कहीं जाना ज़रूरी नहीं उस तरीके से। तो एक मैंने ये ब्लैक मंगाई थी, व्हाइट मंगाई, एंड व्हाइट के बाद ऑब्वियसली बात है कि मेरा फेवरेट कलर है अगर रेड तो रेड। तो ये रेड है पूरा, ये बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आया। ये ऐसे पूरा रहता है, कवर रहता है, मतलब मुझे लगता है जितना ही कवर हो जाए अच्छा है बॉडी। एंड कंफर्टेबल फ्रॉक टाइप से होती है ना, तो आपको कंफर्टेबल लगता भी है कि हाँ ये बहुत कंफर्टेबल ड्रेस है। तो मुझे ये सब ड्रेसेस बहुत कंफर्टेबल लगती हैं। और कलर आपको मैंने बता ही दिया, रेड। रेड मीन्स थोड़ा मरूनिश है। मैं सारी फोटोज डालती जाऊँगी, आप लोग देख लेना। एंड एक और है मेरे पास, ब्लू कलर की फ्रॉक है। सबके साथ ना ये रिबन सा दे रखा है, अगर आप बहुत पतले होते तो बहुत अच्छा लगता है, हम लोग तो थोड़े थोड़े से हैवी हैं, लेकिन फिर भी रिबन का बेनिफिट होता है, क्योंकि इतना भी मोटे नहीं होते, उसको अगर आप बर्तक कर लेते हो ना, तो थोड़ा सा अलग सा फील आता है। और ये ब्लू कलर की ड्रेस है, आप ये देखो। एंड आगे इसमें ऐसे है, थोड़ा सा डिज़ाइन दे रखा है। इसका फैब्रिक भी इन सब के ना बहुत अच्छे हैं, सब समर के हिसाब से दे रखा है। तो अगर कोशिश करो गर्मियों में कपड़े मंगा रहे हो, तो बहुत हल्के हल्के से मंगाओ यार, क्योंकि हल्के कपड़े ना थोड़ा सा पहनने के लिए आराम रहता है। एंड अब एक ड्रेस और है मेरे पास, ये प्रिंटेड है। पता नहीं, हो सकता वीडियो में ना अच्छी लग रही हो, मुझे नहीं पता, पर मुझे पहनने में बहुत अच्छी लगी। इसका कपड़ा बिल्कुल जैसे दुपट्टा होता है ना, हल्का सा, ये देखो एकदम वैसे है, मुझे बहुत 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 पसंद है। देखो एकदम हल्का सा, मैं देखी ना, तो ये पूरी स्लीव्स यहाँ तक हैं। जैसे आप सोचो ना कि थोड़ी सी स्लीव, हमेशा ना स्लीवलेस पहनो गर्मियों में, हमेशा वैसे पहनो, तो कभी कभी मन करता है ना कि उसमें स्लीव्स हो, मैं वो पहनूं। तो ये स्लीव्स हैं, और जैसे उसमें रिबन दे रखा है टक करने के लिए, वैसे ही इसमें ऑलरेडी बना हुआ है साइड में यहाँ पे। ये तो है फ्लावर प्रिंट, बट थोड़ा डार्क मुझे लगा, बट पहनने में शायद, हो सकता है कैमरे में ना उतना अच्छा लगे, बट मुझे पहनने में बहुत अच्छा लगा। ये मेरी ड्रेसेस थी। ड्रेसेस के बाद कुछ सामान, अब पता ही है घर पे है तो कुछ तो सामान मंगवाएंगे घर का। एक मैंने मंगवाया था ये 3 पीस का रिमोट कवर, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। सबके प्राइसेस मैं यहाँ साइड में मेंशन कर दूंगी। और इसमें रिमोट कैसे डालते हैं मैं दिखाती हूँ। ये रहा मेरा रिमोट, इसको ऐसे। और यह रिमोट वगैरह सेव करने के लिए ना, अब इससे अच्छा, इससे बेटर कुछ हो नहीं सकता। तो मैंने ये मंगाया था, ये देखो दिखने में कितना प्यारा लग रहा है। रिमोट आपका सेफ हो गया। सेफ मीन्स जैसे बच्चे हैं ना, तो फेंक देते हैं ना, इधर उधर फेंक देते हैं, या आप कुछ खा रहे हो, आपको एसी चलानी है अचानक, या बंद करनी है, ठंड लग रही है, आप बंद करना चाहते हो, तो ये जो है थोड़ा सा सेफ रहेगा। और दिखने में कितना प्यारा है। अच्छा, मैं ज़्यादातर चीज़ें ना व्हाइट या क्रीम पर ही मंगाती हूँ, क्योंकि मुझे ना पसंद आता है इसका ये चीज़ जो लग गया ना, इससे और ही प्रिटी सा फील आ रहा है यार। तो ये रिमोट मेरा बिल्कुल सेफ हो गया, ठीक है। ये रिमोट कवर है, ये 3 पीस के सेट हैं, ठीक है। एंड इसके बाद मैंने लिया है, पता नहीं मुझे तो बहुत पसंद है यार,
ये बैंगल का सेट है, मैं दिखाती हूँ। ये ऐसे है, टू पीसेस के दोनों हाथ के हैं। बड़ा ट्रांसपेरेंट सा था, मुझे बहुत पसंद आ रहा था। मैंने सोचा कभी कभी पूजा वूजा होती है ना, साड़ी वाड़ी पहननी होती, तो मैंने ये मंगा लिया। मुझे पसंद आया था और रेड कलर था। मैंने पहले बोला रेड एंड ब्लैक ही मेरी बहुत बड़ी वीकनेस है, मुझे क्यों इतने अच्छे लगते मुझे खुद ही नहीं पता। ठीक है ये, और इसके बाद मैंने मंगाया था, अच्छा इसके बाद मैंने एक चीज़ मंगाई है। मैं ना शायद सारे सामान लेकर मैं बैठी ही नहीं। ये मैंने मंगाया था इयर रिंग्स का सेट। यार इयर रिंग्स ना बहुत यूज होती है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है इयर रिंग्स के। ढेर सारी इयर रिंग्स मंगाई थी यार मैंने। ये रही इयर रिंग्स, देखो मैं ना सब तरीके की इयर रिंग्स पहनती हूँ, कभी बड़ी कभी छोटी, और मुझे ज़्यादातर ना घर में तो छोटी पहनी होती हैं, और सच पूछो तो मैं तो घर में पहनती ही नहीं, क्योंकि ऐसे ही इतना पहन लेती हूँ मेरा मन नहीं करता। और ये कितने पीसेस हैं, 6 पीसेस का सेट मैंने मंगाया है। और ये सब देखो ना, ये जो बाली टाइप की है ना बड़ी बड़ी, वे सब अच्छी हैं यार, सबके डिज़ाइन अलग हैं। ये देखो ये देखो, ये एकदम प्लेन सी, ये वेस्टर्न पे भी डाल सकते हो, ये सारी ही ऐसी आप वेस्टर्न पे भी डाल सकते हो, इंडियन पे भी डाल सकते हो। तो मुझे ये बहुत पसंद आई थी, और पता नहीं क्या मुझे बड़ी बड़ी इयर रिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद आने लग गई हैं। एंड ये मैंने अलग से मंगाया था दो सेट, मैं दिखाती हूँ, दो सेट नहीं है तीन सेट, मैं खुद ही बताते भूल जाती हूँ। देखो मैं दिखाती हूँ, हाँ ऐसे ऐसे एंड यार ये देखो, वो मैंने मंगाया था 6 पीस का ये सेट था, एंड ये 3 पीस का सेट था। सबके प्राइस आपको साइड में दिख रहे होंगे, मेंशन कर दिया है मैंने, आप ध्यान से देखना। और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, क्योंकि इयर रिंग्स चेंज करना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने ये इयर रिंग मंगाई थी, और उसके बाद मैंने मंगाया एक ब्रेसलेट, आई लव दिस। ये ना मैं पहनना चाह रही थी इस हाथ में, बट इसमें कैसे पहनूँ, मैं दिखाती हूँ। देखो ब्रेसलेट ना, आप कभी देखो, हम एक हाथ में वॉच लगा लेते हैं, सेकंड हाथ जो हमारा हैंड खाली होता है ना, उसमें कभी आप ब्रेसलेट पहनो बहुत प्यारा लगता है। ये पर्ल्स के साथ ही थोड़े से डिज़ाइन दे रखे हैं, तो इसमें तो मैं ऐसे नहीं पहनती, बट पहन लो तो अच्छा लगता है यार, ना अच्छा लग रहा है। एंड ये ब्रेसलेट भी मुझे बहुत ज़्यादा, थे ढेर सारे मैंने मंगाया भी ये पहले भी, बट मुझे ये बहुत पसंद आ रहा था ये ब्रेसलेट। एंड हाँ एक इयर रिंग और मंगाई थी, मैं दिखाती हूँ। ये इयर रिंग ना साड़ी वगैरह पे पहनने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। मीशो में एक चीज़ है, बेशक आप एक साथ सारी चीज़ें ऐड करके नहीं मंगा सकते हो, लेकिन उनकी पैकेजिंग ये बहुत सेफ उसमें भेजते हैं, उनको लगता है कि चीज़ें गड़बड़ ना हो जाए। ये ज़्यादातर मैं साड़ी पे मैं पहले पहनती थी, मैं आपको पहन के दिखा देती हूँ, सॉरी, बट ना ये साड़ी वगैरह पे ज़्यादा अच्छी लगती है, मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले इसकी टॉप्स को ऐसे डालना है यहाँ पे, ये उसके बाद ये जो ये पोर्शन है ना इसमें दे रखा है ये, एंड पता नहीं मुझे ना कभी कभी साड़ी वगैरह पे ऐसे बहुत अच्छा लगता है। एक सेकेंड, ये देखो मैंने कहा था ना मुझे पसंद है यार, मुझे ऐसी इयर रिंग्स ना, ऐसा नहीं कि इसका कोई रूल है कि आप साड़ी पहनो, बट मुझे साड़ी पे ऐसे बहुत सुंदर लगता है। ऐसे थोड़ा सा कभी कभी होता है ना कि हम बहुत हल्की सी साड़ी पहन लिए और हमें रेडी होना होता है, पहन लेते हैं, बस मैंने ऐसे ही मंगा ली एवी, और कभी कभी एवी में चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं, मैं इसको पहनी थी। एंड अब मैं दिखाती हूँ आपको ये इयर रिंग मैंने जो दिखाई आपको, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। साड़ी सूट आप किसी पे भी पहन सकते हो, बट शायद वेस्टर्न पे इतना सूट ना करे, मैंने पहना था, अगर आपको लगता है सूट कर रहा है तो इट्स ओके, बट मुझे नहीं लगता है सूट करेगी। ये इयर रिंग मंगा ली मैंने। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं हमेशा जब वीडियोज़ बनाती हूँ ना, तो आप लोग देखते हो जल्दी से मेरी वीडियो, जैसे मैं अभी भी सोफे के पास बैठी हूँ, जहाँ बैठ जाती हूँ ना मैं वहीं वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि फटाफट से वीडियो बनाना होता है, और फिर आपको पता है वीडियो बनाने के बाद ना इनको समेटना भी पड़ता है, ऐसा नहीं कि ऐसे जैसे रखते जा रहे हैं ऐसे रहते हैं, सब समेटना पड़ता है, बहुत टाइम जाता है। तो मेरा कोई प्रॉपर ऐसा प्लेस नहीं है कि मैं यहाँ बैठ के वीडियो बनाती हूँ, बट मैंने फिर भी जो वीडियोज़ बनाने के लिए कुछ चीज़ें सोची हैं, मेरे पास डेकोरेटिव बॉटल्स रखी हैं, वो सिंपल रहती हैं, तो मैंने उनके लिए ना ये लाइट्स मंगाई है। ये साइड में आपको ये भी मैं दिखा रही हूँ कितने का है इसका प्राइस, और ये मैं ओपन नहीं कर रही हूँ, मैं उसमें ओपन करके दिखाऊंगी, ये है। और इनके साथ ये लाइट्स का, जब देखो मैं अभी आपको दिखाती हूँ बॉटल में, ठीक है। एंड नेक्स्ट है, इतनी ढेर सारी अगर ज्वेलरी मंगाएंगे तो ज्वेलरी को रखना भी तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये एक बॉक्स मैंने मंगाया, जो कि मुझे ज्वेलरीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी यार, मेरी सारी ज्वेलरी है बॉक्स में, बट उस तरीके से सेफ नहीं जैसा मैं चाहती थी, तो मैंने इसीलिए इसको मंगाया। और इसमें क्या है आप देख सकते हो, क्वालिटी वाइज तो गुड, बहुत अच्छा है। अगर आप चाहो तो इनमें से इन चीज़ों को निकाल भी सकते हो, ये देखो आप एक एक को बड़ा बना सकते हो, जैसे झुमके वगैरह रखने हैं तो, बट मैं इतना
सोच रही हूँ पहले छोटे छोटे रखूंगी, अगर लगेगा तो मैं बड़ी भी रख दूंगी। आप चाहो तो इसको पूरा निकाल भी सकते हो जैसे चाहो, क्योंकि यार इयररिंग्स को ढेर सारी ऑर्डर करना ना और उनको ऑर्गेनाइज करके रखना, हाय रब्बा दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस। तो मैं सारी वैसे बॉक्सेस में रखती हूँ, कभी वो भी दिखाऊंगी आप लोगों को, आप लोगों को वो भी देखना है मैं कैसे ऑर्गेनाइज करती हूँ, तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं बताऊंगी कैसे रखती हूँ। तो मैंने एक ही मंगाया था और यार इसमें पता क्या है, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया वाली चीज़ें देखकर लगता है यार ये हमारे यहाँ की है, इसको लेना चाहिए। तो ये मैंने मंगाया, मुझे बहुत दिन से चाहिए था और मुझे और भी वैसे मंगाना है, तो ये मेरे पास, ये मैंने एक ये मंगाया था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। एंड इसके बाद मैंने एक और चीज़ मंगाई, पता क्या मंगा लिया, हंसोगे बताते हैं, स्माइल नहीं करना ओके ये पता है क्या है, जैसे घर में आप ऑलिव ऑयल यूज़ करते हो, मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हो, जो भी यूज़ करते हो, तो ऐसा तो नहीं है कि जो पूरा बॉटल मंगाते हो 2 लीटर 3 लीटर उसको यूज़ करने लगते हो, आप किसी न किसी बॉटल में डालते हो। यार मैं पता है जब भी कभी ऐसे डालने की कोशिश करती हूँ ना, वो गिर जाता है मेरे से, तो फिर वो, और मेरे यहाँ पे जैसे मस्टर्ड ऑयल जिसको हम सरसों का तेल कहते हैं, अगर वो गिरता है तो मेरे यहाँ अच्छा नहीं मानते हमारे यहाँ पे, बहुत सी जगहों के देखो हर जगह की मान्यताएं अलग अलग है, मेरे यहाँ पे सरसों का तेल गिरना अच्छा नहीं माना जाता है। तो मैं सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, मेरी मदर इन लॉ भी कहती है सरसों का तेल गिर जाए तो उसको यूज़ मत किया करो, उसको पोंछ के फेंक दिया करो और ना ही गिरे ज़्यादा बेटर है। तो मैंने एक ये मंगाया, इसको क्या कहते नहीं पता, ये ना ऐसे ओपन हो जाएगा ठीक है, और इसको जिसमें आपको डालना है उस चीज़ में ऐसे डाल के और फिर ऊपर से आप इसमें तेल डाल सकते हो, फिर अपना जो ऐसे आप धो के, भाई मैं देखो मैं जब यूज़ करती हूँ तो मैंने इसका, मेरे पास एक और रखा हुआ ब्लू कलर का, मैं जब उसको यूज़ करती हूँ ना तो इसके बाद ऐसे ही पहले मैं एक टिशू से क्लीन करती हूँ, ऐसे दिखाऊँ टिशू भी मेरे पास है, मैं दिखाई देती हूँ, पहले मैं ऐसे ऐसे टिशू से क्लीन करती हूँ, उसके बाद इसको पूरा अच्छे से धो के ना फिर मैं रखती हूँ, भाई मैं ऐसे तेल वगैरह नहीं रख सकती, चिपचिप होता है यार ये देखो। उसके बाद थोड़ी सी जगह किचन में, इतना तो आप एक बास्केट रखते ही रखते हो उसमें बड़ी ईजिली आ जाएगा। इसके बाद भी एक किचन का आइटम ही है, कितने किचन के आइटम मंगा लिए ना, एक सेकेंड मुझे हंसी आ रही है यार, ये आइटम अच्छा नहीं है, बाकी सारे आइटम अच्छे हैं यार ये आइटम अच्छा नहीं है। मैंने एक चॉपर मंगाया था, हैंड चॉपर, ये मैंने क्यों मंगाया था पता है, पहले मैंने अमेजोन से मंगाया था, एक बार मैं करोल बाग से लेकर आई थी, करोल बाग की एक मार्केट है यार टिकटॉक मार्केट, मैंने वहां से लाया था, मेरी वो हैंड चॉपर कितना अच्छा गया, करीब कुछ नहीं तो 3 साल तो मेरा वो बड़े आराम से 3 ईयर कंप्लीट किया, बट वो कुछ घर में काम चल रहा था उसमें ना उसकी जो ये ब्लेड होती है ना, आई थिंक मेरी हेल्पर ने ध्यान नहीं दिया, उसने फेंक दिया या कुछ भी था, काम चल रहा था किसी से भी गायब हो गया। तो मैंने सोचा फिर उसके बाद मैंने अमेजोन से मंगाया, मुझे वो भी अच्छा था नो डाउट, इससे तो कई गुना ज्यादा अच्छा था, तो वो मैंने मंगाया चला, बट वो भी उसका जो ये ब्लेड था ना, घर में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो फेंक देते हैं और बताते नहीं उसको फेंक दिया। तो मैंने एक ये मीशो से ऑर्डर किया, सब कुछ अच्छा है इसका, बट वो जो चॉपर मेरा काम करता था चॉपिंग का ना, ये वो काम नहीं कर पाता है, तो मुझे ये बहुत, इतने सारे सामान मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद नहीं आया। तो बस ये था मेरा मीशो हॉल। तो कैसा लगा वीडियो मेरा आप लोगों को, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।